रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में काफी कुछ बदल रहा है और इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर भी पड़ रहा है। इस बीच आपदा में अवसर को भुनाने की कोशिशें भी देखने को मिल रही हैं। इस युद्ध के बीच जब रूस में कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स की किल्लत होने लगी तो एक रूसी कंपनी ने इनकी नई रेंज लॉन्च कर दी है। मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला, फेंटा और स्प्राइट के बदले रूस के लोग अब कूल कोला, फैंसी और स्ट्रीट को खरीद सकेंगे। रूसी कंपनी ओचाकोवो ने सोमवार को यह ऐलान किया। मार्च में कोका कोला कंपनी की ओर से रूस में बिजनेस सस्पेंड करने के बाद से तीन प्रमुख ग्लोबल सोडा ब्रांड रूसी बाजार से काफी हद तक गायब हैं। जो कोका कोला प्रोडक्ट अभी भी दुकानों में हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ओचाकोवो बड़े पैमाने पर पारंपरिक रूसी ड्रिंक्स का उत्पादन करती है। आपको बता दें कि ये फर्म रूसी बाजार से कोका कोला की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। अप्रैल में स्लावडा समूह ने रूस के सोडा प्रेमियों के लिए ग्रिंग कोला लॉन्च किया था। वहीं मई में कोमी कोला लॉन्च हुआ। हालांकि इन दोनों विकल्पों को ग्राहकों का मिला जुला रिस्पॉन्स ही मिला है।